एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्टाइलिश। मेरा नाम है मंजू और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ आपके साथ सरोजनी हॉल का ट्रायल पार्ट। यस, ट्रायल हॉल शेयर कर रही हूँ और आई होप आपको बहुत मजा आए और मुझे बहुत पसंद है ट्रायल हॉल शेयर करना और सरोजनी में मार्केट में शॉपिंग करना। बहुत मजेदार रहा, थोड़ा टाइट रहे लेकिन बहुत मजा आया। तो जब चीजें बहुत अच्छी मिल जाती है ना तो मजा ही आ जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस सरोजनी के हॉल में ज्यादातर डेनिम और विंटर के कलेक्शन ही चूज किए हैं। अब बाकी नेक्स्ट और भी हॉल आने वाले हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके एक जैकेट और कुछ डेनिम की चीजें दिखाती रहती हूँ जो मैंने बाय की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये वाला जो क्रॉप जैकेट है वो बहुत पसंद आया और आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड कलर में है और बहुत ही प्यारा है। और आप इसका लुक देखिए कितना प्यारा है। और ये मस्टर्ड कलर मेरे स्किन टोन के या फिर थोड़े हल्के से डस्की लोग भी होंगे या फिर फेयर लोग होंगे, हर स्किन टोन को ये सूट करने वाला है। तो मुझे ये जैकेट बहुत पसंद आया एज अ क्रॉप। ये एकदम जैकेट है लेकिन क्रॉप में आता है, फुल लेंथ का नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक इसके MRP 100 है, मुझे कंफर्म याद है। तो इतना अच्छा फैब्रिक और देखिए एक भी डैमेज नहीं था। हाँ, अगर आप सरोजनी मार्केट या कहीं भी आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो देखना जरूर एकदम प्रॉपर कि कुछ डैमेज ना हो, कुछ फटाफटा कुछ ना हो, तो अच्छे से चेक करना उसके बाद ही लेना। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, आप इसके पीछे से भी देख सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और इसका पहन के भी मैं आपको लुक जरूर शेयर करूंगी ऑन स्क्रीन का, कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो आप ये इतना गर्म भी नहीं है, आप इसको हल्का हल्का विंटर में भी पहन सकते हैं। आई लव इट। नेक्स्ट जैकेट भी बिल्कुल क्रॉप जैकेट ही है और ये बहुत टीनेजर लड़कियां हैं उनको ये बहुत सूट करता है। नो, सबको सूट करेगा, ठीक है। तो बट ये क्रॉप जैकेट है जो कि एकदम आर्मी ग्रीन कलर है, बिल्कुल उसी में है। इसके साथ आपको ये कैप मिल जाती है और बहुत अच्छा है। इसको ओपन मतलब बटन लगाने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर आप इस तरह के चीजें पहनकर इसको अवेयर कर सकते हैं और ओपन रख सकते हैं बटन को। और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, इसकी MRP थोड़ी सी हाई थी जब उन्होंने मुझे 350 के अराउंड बताया था मेरी सिस्टर को, बट बार्गिंग करते 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 आई थिंक ये 150 या 200 के अराउंड आ गया था। तो मुझे बहुत पसंद आया ये जैकेट और लुक्स वेरी स्मार्ट एंड बहुत ही अच्छा लगता है, गर्लिश लुक आती है। आई लव दिस जैकेट। नेक्स्ट आपको डेनिम में मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरे लिए खरीदा था मेरी सिस्टर ने, उसने देखते ही पसंद कर लिया। आपको डेनिम के व्लॉग में आपने जरूर देखा होगा, 100 रुपीज का वहां डेनिम सेक्शन थे तो उसमें से ये कलेक्ट किया था और जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा है उनको पता होगा। तो ये वाला डेनिम का एक ड्रेस है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल डैमेज नहीं है। इसका जो नेक में जो ये वर्क है बहुत ही प्यारा प्रिटी वर्क है, स्मार्ट वर्क है और ये पूरे आपके नी तक आता है। शॉर्ट डेनिम है, बहुत स्मार्ट लुक देता है। इसके बाजू में इस तरह के बटन है और इतना प्यारा डेनिम, इतना रॉयल लुक आता है, इतना स्मार्ट लुक आता है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और आई थिंक मेरे लिए ही बना है ये क्योंकि मैंने जब इसे वेयर किया मैं सुंदर लग रही थी। जस्ट जोक, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। बात अगर डेनिम की आ रही है तो एक और डेनिम का ड्रेस है जो कि मेरी सिस्टर के लिए है और जब उसने वेयर किया था आई लव इट, इतनी सुंदर लग रही थी मेरी सिस्टर। और उन्होंने पहना था ईशानी इनाया के बर्थडे में तो बहुत अच्छा लुक कर रहा था। तो ये वाला डेनिम है पूरा फुल लेंथ का है, इसमें बटन है, ठीक है, पूरा बटन लगा हुआ है और इतना लंबा बटन है। और इसको जस्ट ओपन ये जैकेट भी बन जाता है, ओपन शर्ट स्टाइल भी बन जाता है, नहीं तो आप इसको एज अ ड्रेस की तरह वेयर कर सकते हैं। और क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इसमें मेरी सिस्टर इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल क्लासी एंड मुझे बहुत पसंद आया। और पैसा वसूल है, 100 रुपीज का ही मिलता है और लेकिन लुक्स वेरी हाई, बिल्कुल एक्सपेंसिव लगता है, मुझे तो बहुत मजा आ गया।
तो डेनिम में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको अभी धीरे धीरे शेयर करूंगी। बट उससे पहले ये वाला एक स्वेटर है जो कि इसकी डिटेलिंग ऐसे है, ऐसे नेट में है, ठीक है, वो बस आगे की तरफ है। ये आपको मैंने अपने क्रिसमस डे व्लॉग है उसमें मैंने इसमें इसको पहना था, मुझे बहुत पसंद आया ये। और इसका इस तरह का फुल स्लीव है और बहुत ही सॉफ्ट है, आई थिंक ये 100 रुपीज के अराउंड था जहां तक मुझे याद है। लुक्स वेरी प्रीटी एंड सॉफ्ट। तो साथ में अगर जैकेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जैकेट लिए हैं ओवरकोट साइज के। तो एक ये व्हाइट कलर का आता है, ये जैकेट जो है मेरी मम्मा, मेरी बहन और मैं, सब हर कोई पहन सकता है। तो बहुत अच्छा जैकेट है जो कि 100 रुपीज का मिल जाता है आपको। सरोजनी मार्केट में इस तरह के जैकेट 100 रुपीज के मिल जाते हैं, यहाँ तक कि और चीप भी जा सकते हो, 50 रुपीज के भी मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही रियली चांस होता है कि 50 के मिले। बट 100 रुपीज 150 रुपीज के जैकेट मिल जाते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी नेक डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है और व्हाइट कलर का जैकेट है जो कि हर आउटफिट में यूज होता ही है। और ये प्योर व्हाइट नहीं है, इट्स अ डस्की व्हाइट कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल जैकेट है। साथ में इस जैकेट के साथ मेरा फेवरेट जैकेट एक और ये रेड वाला है जो कि मैंने आई थिंक वैलेंटाइन डे लुक है उसमें पहना था। तो ये वाला जैकेट है जो कि बहुत ही हल्का है और सॉफ्ट है और बहुत ही कूल लगता है, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके बटन देख सकते हैं और इसमें पॉकेट भी है, ठीक है, पॉकेट है, दो पॉकेट दे रखा हुआ है और ब्यूटीफुल जैकेट है, बहुत ही अच्छा, कोई डैमेज पार्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जैकेट। आपको धीरे आपको स्क्रीन में ट्रायल हॉल तो दिख ही रहा होगा, साथ के साथ मुझे ये बाय करना मैं मतलब कोई अफसोस नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। ये सारी जैकेट 100 रुपीज के अराउंड है और 100 रुपीज के जैकेट को बाय करना और इतनी अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं तो मुझे तो बहुत पसंद आया। इस बार का बेस्ट ट्रायल हॉल, साथ में बेस्ट कलेक्शन, बहुत अच्छा लगा इस बार का मुझे सरोजनी हॉल। और साथ में आपको एक और डेनिम में चीजें दिखा देती हूँ जो कि एक शर्ट है, डेनिम शर्ट जो कि मेरी मम्मा पहन सकती हैं। तो बस ये एकदम कैजुअल है, डेनिम शर्ट है जिसमें बटन आपको इस तरह के दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है इसको एज अ ब्लैक पैंट के साथ पेयर करो या फिर व्हाइट पैंट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें पॉकेट दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर कोई भी पहन सकता है क्योंकि ये मेरे साइज ओवर साइज है, ठीक है। ये डेनिम के साथ साथ एक और सेम ऐसी डेनिम दो शर्ट लिया, आई थिंक एक और शर्ट हो गया, मतलब दो शर्ट डेनिम के लिए लिया है मेरी सिस्टर ने। इसमें और इसमें दोनों में क्वालिटी में डिफरेंट होगा और कलर वाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी डिफरेंट है, तो ये बहुत लाइट है, तो बस यही फर्क है, कलर में भी फर्क है, बाकी इट्स नाइस, मुझे तो अच्छा लगा। बस इसको थोड़ा आयरन करना है फिर इसको ट्रायल हॉल करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये ऐसे तो बहुत ही मैसी लग रहे हैं। तो ये दो डेनिम शर्ट हो गए। साथ में एक और आपको चीज मैं दिखा रही थी, मुझे तो पसंद नहीं आया लेकिन मेरी सिस्टर को पसंद आया क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं इसको पहने की क्यूट लग रही हूँ, आई डोंट नो। तो एक ये वाला जैकेट है, ये इसका बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड इस तरह का है और इसके जैकेट की शेप अलग है, बहुत चेंज है शेप, इट्स शेप इस तरह का शेप है तो इसलिए उसको मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जैकेट की जो शेप है बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही ठंड से आपको बचाएगा, बहुत अच्छा हीट देता है, मुझे बहुत पसंद आया जैकेट एज अ ठंड के लिए, एज अ स्टाइलिश लगने के लिए, इट्स कूल। बट हाँ, इसको स्टार्टिंग में मुझे इसका प्रिंट मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट कोई नहीं, 100 रुपीज के ऊपर पैसा वसूल जैकेट है। साथ में एक और चीज लिया है जो कि मेरे बहुत टाइम से सपना था कि मैं डगरी लूंगी बट कभी नहीं लिया। सोचती थी कि सूट करेगा कि नहीं करेगा, बट आप ही बताना कि मुझ पर सूट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक डेनिम का डगरी लिया है मैंने ऑन सरोजनी हॉल 100 रुपीज। तो ये डगरी है, इस डगरी को दिखाना क्या, बस ये ऐसा आता है, पॉकेट है, ठीक है, अच्छा खासा पॉकेट है, यहाँ के यहाँ पे भी पॉकेट है
और ये पॉकेट नहीं है, ये वाला बंद पॉकेट है, बहुत अच्छा है। मैं इसको आपको पहन कर दिखाऊंगी तभी आप समझ पाओगे कि कैसा है। और हाँ, इसकी और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये डगरी यहां से आप कहो तो फटी है ना, मैं भी यही कहती हूँ फटी है बट इट्स टाइट, ठीक है। तो ये नी की तरफ थोड़ा सा ऐसा है डिजाइन जो कि कूल लगता है ना, बट मम्मी लोगों को क्या लगता है, इट्स फटी। नेक्स्ट जैकेट भी 100 रुपीज का ही है। देखो फ्रेंड्स, सारे जैकेट जितने भी है नो प्राइस, सिर्फ 100, 100, 100, ठीक है। आज जितने भी हॉल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे 100 के हैं, आई थिंक 150 का भी कुछ नहीं है। तो ये जैकेट भी 100 का लिया है, ब्लैक कलर का, हल्का सा ब्लैक पेंसिल कलर है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है मैं व्हाइट और ब्लैक की कितनी फैन हूँ, तो ब्लैक भी बहुत अच्छा सूट करता हर किसी पर। तो इस तरह का ये जैकेट है इसका, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, आप इसको कभी भी किसी के साथ भी पहन सकते हैं, स्मार्ट लुक देता है। तो मैं आपको ट्राई हॉल तो दिखाई रही हूँ साथ में, और ये सब चीजें ऑन 100 रुपीज का मिला है मुझे सरोजनी में, जो कि मुझे बहुत पसंद आया इस बार का सरोजनी हॉल। नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट बार भी मुझे मन कर रहा है कि नेक्स्ट जाऊं फिर आपके साथ शेयर करूं और भी चीजें, क्योंकि अब समर भी आने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो मैं समर में भी पहन सकूं। तो आई होप समर कलेक्शन भी आ जाए। तो अगर आपको सरोजनी हॉल का सेकंड पार्ट देखना है, समर कलेक्शन टाइप कुछ ड्रेस, स्कर्ट्स और टॉप्स वगैरह, तो कमेंट करना, ठीक है। ओके, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने 2 ड्रेस खरीदे थे। आई थिंक आपने ब्लॉग देखा होगा, वहां पे मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस चीजें ढूंढ रही थी, तो ये ड्रेस खरीदा था, 2 खरीदे थे, जो कि एक ड्रेस तो ड्राई क्लीनर के पास गया हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी ने वेडिंग फंक्शन में उसको गंदा कर दिया था, तो इसलिए। बट ये वाला ड्रेस अभी भी साफ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही क्यूट लगा है। और ये आई थिंक इंदू दीदी की बेटी की फर्स्ट बर्थडे में बेटी ने पहन के गया था, और उसका व्लॉग भी आएगा, तो स्टे ट्यून। तो बस ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने कहाँ से लिया अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगी स्क्रीन में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, रॉयल एंड क्यूट है, बहुत सॉफ्ट है। जब मेरी बेटी ने इसे पहना था तो और क्यूट लग रही थी, मैं फोटो स्क्रीन में लगा दूंगी वो कैसी लग रही है। तो बस हाँ, ये सेट उसके लिए फ्रॉक खरीदा था, सेम एक सेट लिया था, जो कि इसके साथ इसके ऊपर ये जैकेट है, क्योंकि विंटर का टाइम था तो इसलिए जैकेट इट्स मस्ट। तो ये जैकेट आता है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, और इसकी MRP आई थिंक थोड़ी कॉस्टली थी, आई थिंक 1000-1500 के बीच में आया था, बट हमने 2 ड्रेस खरीदा था एक ही दुकान से, तो उन्होंने अच्छे प्राइस में हमको दे दिया था, तो अराउंड 2 ड्रेस 2000 या फिर 1800 ऐसा कुछ का पड़ा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो स्क्रीन में आपको मेंशन कर दूंगी। एक ये वाला ड्रेस था, दूसरा जो ड्रेस की बात कर रही हूँ वो भी फोटो में लगा दूंगी स्क्रीन में, वो भी दोनों ही ड्रेस बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था सरोजनी में, साथ के साथ दोनों ड्रेस बहुत ही प्रीटी एंड ब्यूटीफुल है, और साथ में मेरी बेटी को सूट कर रहे हैं, और ये ड्रेस ऐसे है जो 1-2 साल और चलेंगे। साथ में ये बेल्ट ली है, जो कि इस तरह का है, ब्लैक कलर का, जो हर जीन्स में पहनने के लिए काम आता है, तो ये 100 रुपीज का ये बेल्ट मिला है। तो बस यही था आज का हॉल, आई होप आपको पसंद आया, और ट्रायल हॉल पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हैं सेकंड पार्ट भी बनाओ सरोजनी के ऊपर और समर कलेक्शन देखो सरोजनी में जाकर, तो कमेंट कर जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि हाँ आपको सरोजनी के पार्ट देखना है, तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव्स ऑफ लव, बाय।